सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फैशन बॉक्स 121 को और बेल के बटन को दबाने से आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। क्या आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन या सेंसिटिव? आपको कोई आइडिया है? क्या आपको पता है कि आपकी स्किन कैसी है? नहीं तो आज की वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं फैशन बॉक्स 121, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो दवाई देने से पहले मर्ज जानते हैं, आपकी प्रॉब्लम जानते हैं, उसके बाद आपको दवाई दी जाती है। हम अपने फेस पे अलग अलग किस्म की क्रीम्स, DIY होम रेमेडीज़ लगाते जाते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि आपकी स्किन की प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों लगा रहे हैं और किस टाइप का आपको लगाना चाहिए? जब तक आपको अपनी स्किन के टेक्सचर और क्वालिटी का पता नहीं चलता, तब तक आप अपनी स्किन पे कोई भी DIY मत लगाएं। पहले अपनी स्किन को अच्छे से जान तो लें। बहुत सारी टाइप्स की स्किन होती है, जैसे कि किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है जिस पे डस्ट वगैरह बैठ जाती है और उसकी वजह से ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हो जाते हैं, ओपन पोर्स हो जाते हैं, तो पिंपल्स की प्रॉब्लम ज़्यादातर ऑयली स्किन वालों को होती है। कुछ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, पैची होती है, तो किस टाइप का ओपटन आप यूज़ करोगे? कुछ लोगों की स्किन कम्बिनेशन होती है, टीजोन एरिया आपका ऑयली होता है, मीन्स फोरहेड, नोज और चिन आपका ऑयली होता है और बाकी सारा फेस आपका ड्राई होता है। और नॉर्मल स्किन वाले तो बहुत ही खुशकिस्मत हैं, वो कुछ भी लगा लें अपने फेस पे, उनको सब कुछ सूट कर जाता है। और कुछ लोगों की स्किन तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। आपकी स्किन इनमें से कौन सी वाली है? सेंसिटिव स्किन वाले तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि वो कुछ भी लगा लें अपने फेस पे, उन्हें रैश, पिंपल और रिएक्शन होने का डर ही लगा रहता है। आज मैं आपको ऐसा ओपटन बनाना सिखाऊंगी जिसके चंद दिनों के इस्तेमाल से ही चेहरा बेदाग, फेयर और निखर जाएगा और इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम इंग्रेडिएंट्स स्किन पर जादुई असर करते हैं। हमारी स्किन से हर वक्त डेड स्किन सेल्स उतरते रहते हैं, लेकिन अगर वही स्किन पर जम जाएं तो स्किन डल हो जाती है और डिफरेंट किस्म की स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और ये ज़्यादातर सर्दियों में होता है। इस ओपटन को ड्राई स्किन वाले और ऑयली स्किन वाले किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको भी डिटेल से बताऊंगी। इस ओपटन को बनाने के लिए मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो स्किन वाइटनिंग के लिए बेस्ट हैं और साथ ही स्किन को हेल्दी और यंग बनाते हैं। इस ओपटन में कोई 2 या 3 इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं हुए, बल्कि पूरे 12 इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं। क्यों? क्योंकि जब चेहरे पर बाल हों, दाने हों, पिगमेंटेशन हो, स्किन के पोर्स भी ओपन हो, स्किन डल और बेजान भी हो और सन टैन की वजह से ख़राब हो चुकी हो, तो कोई 1 या 2 इंग्रेडिएंट से तो वो ठीक नहीं होगी। ये तो सच है कि शादी के वक्त दुल्हन के चेहरे पर जो ग्लो होता है उसका कोई मुकाबला नहीं, तो इस ग्लो को पाने के लिए इतना इंतज़ार क्यों करना? चलिए आज ही इस ओपटन को बनाते हैं और अपनी रंगत को गोरा, ग्लोइंग और गुलाबी बनाते हैं। तो आइए जानते हैं इसको बनाने का तरीका। बेसन, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना, जो कि आपको इजीली आपके किचन में अवेलेबल मिलेगा, जो कि एक बहुत अच्छा नेचुरल क्लिंजर का काम करता है और आपके फेस को सोप की तरह क्लीन करने जैसा काम तो कोई और कर ही नहीं सकता, जो कि ये इंग्रेडिएंट करता है। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू तो ऑलरेडी हाई है ही, लेकिन इसके साथ ही ये स्किन की खूबसूरती के लिए एक जादुई इंग्रेडिएंट है। ये स्किन को फेयर और वाइट करने के साथ ही स्किन की स्याही को भी दूर करने के लिए सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। ये स्किन को डीप क्लीन करने की प्रॉपर्टी रखता है और साथ ही ये फेशियल हेयर को भी रिमूव करने में हेल्प करता है, एंटी एजिंग है और स्किन पर से पिंपल्स को भी क्लियर करता है, और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। इसके 3 चम्मच ऐड करने हैं। जो का आटा, इसका लेंगे हम 1 चम्मच। इसमें होता है इमिनो एसिड, जो कि आपके डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है, आपकी स्किन पे जो मार्क्स हैं उसे लाइटन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर डिसकलरेशन जैसी प्रॉब्लम है तो उसे दूर करता है। ये एक नेचुरल क्लींजर है जो कि फेस से डर्ट हटाता है और ऑयल को रिड्यूस करता है। ऑरेंज पील पाउडर, इसका भी लेंगे हम 1 चम्मच। इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, जो कि स्किन को हेल्दी और लाइटन करने में पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। ऑरेंज पील पाउडर स्किन पर से डार्क स्पॉट्स, एक्नी और छाइयों को ख़त्म करता है, स्किन को डीप क्लीन करता है और सन टैन को रिमूव करता है। और इसमें सिट्रिक एसिड होता है, जो कि बेस्ट स्किन वाइटनिंग एजेंट है। नीम, इसका भी लेंगे हम 1 चम्मच। ये अगर आपको फ्रेश लीव्स मिल जाएं तो वो भी अच्छा है, अगर आपको नहीं मिलते तो आप पंसार की शॉप से ड्राई लीव्स लेकर उनको खुद पीस लें। नीम आपकी स्किन और हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, इंटरनल बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप नीम के पत्ते खाते हैं या उसका पाउडर खाते हैं तो ये आपकी इंटरनल बॉडी को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाती है।
सबसे पहले तो ये आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है और जितना भी टॉक्सिन आपकी बॉडी में जमा होता है उसे फ्लश आउट करता है। और अगर आप इसे स्किन पे लगाते हैं तो ये बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जैसे कि डार्क स्पॉट्स, एक्नी, पिंपल्स। इसके अलावा अगर स्किन पे रैशेज हो जाते हैं या कहीं भी इन्फेक्शन हो जाता है तो भी आप नीम पाउडर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होता है। संदल, इसका भी लेंगे हम एक चम्मच। संदल एक दरख्त होता है जो कि ज़्यादातर इंडिया में पाया जाता है। इसकी लकड़ी बहुत ही खुशबूदार होती है। ये बैक्टीरिया और एक्ने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है और उसके साथ साथ वाइटनिंग भी लाता है। इसकी तासीर इंतहाई ठंडी होने की वजह से गर्मियों में बहुत ही कमाल की चीज़ है और स्किन ग्लोइंग के लिए बहुत ही सुपर्ब इन्ग्रीडियंट है। मलट्ठी, इसका भी लेंगे हम एक चम्मच। इसको अक्सर आपने पढ़ा होगा ब्यूटी और वाइटनिंग क्रीम्स के इंग्रेडिएंट्स में लिकोरिश एक्सट्रैक्ट के नाम से। लिकोरिश इसका इंग्लिश नेम है और असल में ये मलट्ठी पाउडर है। अगर आप किसी ब्रांड का लेना चाहें तो ऑनलाइन परचेज कर लें, अदरवाइज़ ये आपको पंसार की शॉप से इजीली मिल जाएगा। ये इतना महंगा भी नहीं है। असल में ये एक लकड़ी होती है जिसको पीस कर पाउडर बनाया जाता है और ये स्पेशली स्किन वाइटनिंग के लिए होता है। कॉम्प्लेक्शन को फेयर करना, स्किन को इवन टोन में लाना और वक्त से पहले जो झुर्रियाँ आ जाती हैं उनको ख़त्म करने के लिए बेस्ट है। ड्राई रोज़ पेटल्स, इसका भी लेंगे हम एक चम्मच। ये देसी गुलाब की खुश्क पत्तियाँ हैं। ये हमारी स्किन से रिंकल्स को प्रिवेंट करता है, स्कार्स को रिमूव करता है और अगर आप रोज़ पेटल पाउडर का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा शाइन एंड ग्लो करती है। हुस्न यूसुफ, इसका भी लेंगे हम एक चम्मच। ये चेहरे की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होता है और ज़्यादातर होम रेमेडीज़ और फेशियल वगैरह में यूज़ होता है। इसके अलावा ये हर तरह की हर्बल क्रीम्स में यूज़ होता है। इसका जो इम्पॉर्टेंट काम होता है वो ये कि आपकी स्किन को टाइट करता है और रिंगल्स को रिमूव करता है। इसके साथ साथ इसकी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है और थोड़ा सा कॉस्टली भी है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टफ़, लेकिन ये आपको अच्छा खासा मिल जाता है। मैंने 50 रुपये में मंगवाया था और ये आपको इजीली पंसार की शॉप से मिल जाएगा। अनार, इसका भी लेंगे हम एक चम्मच। जैसे ही मौसम चेंज होता है अनार का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। इसे भरपूर तरीके से इंजॉय करें और भरपूर फ़ायदा उठाएं। आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये कुदरत का ऐसा ख़जाना है जिसमें अल्लाह ताला ने बेइंतहा बीमारियों का इलाज रखा है। इसमें काफ़ी मिकदार में मिनरल्स और वाइटामिन्स होते हैं। वाइटामिन सी और ई बहुत ही ज़्यादा मिकदार में होता है जो हमारी स्किन को हर बीमारी से महफूज रखता है और हमारी स्किन को हेल्दी और रिंकल फ्री बनाने के साथ ग्लोइंग बनाता है और रंग गोरा करने के लिए ये बेहतरीन इंग्रेडिएंट है। अलसी के बीज, इसका भी लेंगे हम एक चम्मच। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करता है। अगर आपको फेस पे पिंपल्स, फाइन लाइंस, रिंकल्स का इशू रहता है तो ये उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये आपकी स्किन को टाइटन अप करने में बहुत ही मुफीद है। बादाम, इसका भी लेंगे हम एक चम्मच। आपने सुना ही होगा कि विटामिन ई हमारी स्किन के लिए कितना इफेक्टिव होता है, तो बादाम में विटामिन ई बहुत हाई अमाउंट में होता है और एक ग्रेट एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये हमारे कॉम्प्लेक्शन को इन्हेंस करता है। अगर आपकी स्किन पे डार्क पैचेस हो गए हैं और अगर आपकी स्किन नरिश नहीं रहती तो आलमंड पाउडर इससे बहुत अच्छे तरीके से कवर करता है। इसके अलावा इसमें मौजूद फैटी एसिड स्किन को हेल्दी और मॉइस्चराइज रखता है। अम्बा हल्दी, इसके लेंगे हम दो चम्मच। जो हल्दी आप खाने में यूज़ करते हैं ये वो नहीं है, इसे अम्बा हल्दी बोलते हैं। ये आपकी स्किन को पीला नहीं करती। इसके अलावा हल्दी तीन तरह की होती है, देसी हल्दी, अम्बा हल्दी और सफ़ेद हल्दी। इस पे भी मैं डिटेल वीडियो बना दूंगी आपकी आसानी के लिए। हल्दी की बकायदा एक रस्म होती है, तो उपटन में हम हल्दी को कैसे भूल सकते हैं। जब भी हमारे घर में शादी आती है या किसी की भी शादी की बात आती है तो सबसे पहले जो चीज़ आती है दुल्हन को लगाने वाली, वो है हल्दी, उपटन। हम कितने ही मॉडर्न हो जाएं, कितने ही एडवांस हो जाएं, जब भी बेटी की शादी की बात आती है तो हमारे जहनों में होता है कि बेटी को उपटन लगाना है और उपटन लगेगा तो ही दुल्हन पर निखार आएगा।
इसके बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं ये सब मुझे पंसार की शॉप से इजीली मिल गए थे, सिवाय अनार के छिलकों के, वो मुझे मेरी अम्मी ने घर पे ही सुखा के दिए थे। और इनमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो मुझे अम्मी ने बताए थे और मैं यही यूज़ करती थी शादी से पहले, तो सोचा आपसे भी शेयर करूँ। जब आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है उसके बाद इसे ब्लेंडर में डालकर अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अभी आपको इसका कलर लाइट लग रहा होगा लेकिन ब्लेंड करने के बाद इसका कलर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये देखें, ब्लेंड करने से इसका कलर थोड़ा येलो हो गया है। आप यकीन करें ऐसा ऑर्गेनिक उपटन आपको कहीं से नहीं मिलेगा और इसका जो अमेजिंग रिजल्ट है उसको देखकर तो आप हैरान हो जाएंगे। अब जी आपने कोई सा भी एयर टाइट कंटेनर ले लेना है जिसमें आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकें। कोशिश करें कि 8 माह से ज़्यादा से स्टोर ना करें। ये सब चीज़ें मैंने खुद घर में पीसकर बनाई हैं और इस वीडियो को बनाने में मुझे टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगा है। ये सब चीज़ें ऑनलाइन भी इजीली मिल जाती हैं लेकिन फिर भी मुझे इन पर यकीन नहीं आता और मैं कोशिश करूँगी कि ये सब चीज़ें ऑनलाइन मंगवाऊँ और उसका रिज़ल्ट भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। इसको इस्तेमाल करने का तरीका, 2 चम्मच आपने उपटन लेना है और इसमें थोड़ा सा दही ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लें और फाइन सा पेस्ट बना लें और इसे फेस, हैंड एंड फीट पर लगा लें। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। कम से कम 30 मिनट तक आपने इसे अपने फेस पर लगाए रखना है। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो इसे रगड़ रगड़ कर उतारना है ताकि फेस पे जो भी डेड स्किन है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। उसके बाद इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें और ये रिजल्ट आपके सामने है। इसको आपने डेली लगाना है जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती, और जिनकी शादी हो चुकी है उन्होंने तब तक लगाना है जब तक वो शादी पर चले नहीं जाते। सर्दियों के लिए ये बेस्ट फेस वाइटनिंग उपटन है। अगर आपको मेरी होम रेमेडीज़ पसंद आती हैं और आप इन रेमेडीज़ को ट्राई भी करते हैं तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में भी लाजमी बताया करें। उम्मीद है आज की वीडियो में मैंने आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है, तो अगर ऐसा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।